एक बंदा जो कि YouTube का नाम रोशन कर रहा है वो है भाई भुवन बाम। उसने भाई बेहतरीन काम करना स्टार्ट कर दिया है। वो जो एक एक्टिंग वाली बात होती है ना, जो ललक होती है, वो उसमें बहुत तगड़ी है और वो दिखता है। सीजन वन ऑफ ताजा खबर बहुत ही अमेजिंग था। सीजन टू भी काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। इसमें एडिशनल कास्टिंग भी की गई है जिसमें हमें जावेद जफरी एज अ मेन विलेन के रोल में दिखने को मिलेंगे। और वही है कि मतलब अब हमें ट्रेलर में जैसे बताया जाता है कि भाई वो मर गया था और फिर वापस जिंदा हो जाता है। अब कैसे होता है वो तो देखने पे पता चलेगा वेब सीरीज। बट मर गया था वो, देन अब वापस आता है। तब इस जिंदगी में उसके पास बहुत सारे कर्जे हैं, और प्रिसाइजली बताऊं तो 500 करोड़, जो कि महेश मांजरेकर का कैरेक्टर उसको बताता भी है कि भाई जावेद जफरी का जो कैरेक्टर है वो मतलब तुमसे पैसे लेने आने वाला है। और वो मतलब उसके पेरेंट्स को भी टॉर्चर वगैरह करता है। अब ये उसकी जो ताजा खबर वाली फैक्ट्री थी, जो सेटिंग थी, वो भी बंद होने लगी है। तो अब उसको पैसे मतलब बना के देने हैं इनको। तो अब ये क्या करता है कि मतलब दूसरे धंधों में, जैसे किडनैपिंग वगैरह के धंधों में उतर जाता है, जो कि वो डायलॉग भी मारता है कि मतलब गरीब इंसान के पास कोई चॉइस नहीं होता कि सही गलत को चुनने का। एंड उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ेगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मतलब आप पिछली वाली वेब सीरीज़ अच्छी थी, तो उम्मीदें लगा सकते हैं कि हाँ भाई डिसेंट होगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ताज़ा खबर वन जो है वो मतलब ब्रिलियंट है, इससे तगड़ा कोई मतलब आया ही नहीं है। बट ताज़ा खबर इज़ अ डिसेंट वेब सीरीज़ जो कि तुम देख सकते हो। कहानी पे, एक्टिंग पे उन्होंने जोर डाला है, उन्होंने ढंग का काम किया था, इसलिए सीजन टू बन रही है। सीजन वन हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब। सीजन टू भी से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, खास करके भुवन बाम से। वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं इसको, वो और रोहित इनके साथ मिलकर के, जो उनके दोस्त हैं, साथ प्रोड्यूस करने वाले हैं। बट उन सब के चर्चा बाद में करेंगे। कहानी थोड़ा मजा देगी तो मज़ा आइएगा, आ जाएगा। मतलब तो उनका ब्रेकअप क्या हुआ, कैसे वो बच जिंदा होके निकला, कैसे वो पैसे चुकाएगा, उसके माँ बाप की हालत क्या है, अब फिर से अमीर होके गरीब होने के बाद वो क्या फील कर रहा है, कैसा लग रहा है उसको, ये सारी चीज़ें मतलब इंटरेस्ट पैदा करती हैं। एंड आई होप कि ये लोग कहानी के साथ फकअप ना करें। भुवन बम से काफ़ी उम्मीदें हैं, और यूट्यूब पे नहीं काम कर रहा बंदा तो कहीं तो कर रहा है, एंड वो अच्छा लगता है देख करके। तो यही था मेरा रिव्यू ताजा खबर सीजन टू के ट्रेलर को लेकर के। तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर वो कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करो, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।